हेलो दोस्तों, देख जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान दर्द होता है, जिनको भी ये समस्या होती है, उनके जीव पे क्या गुजरती है, उन्हें उसी औरत को पता होती है जिनको समस्या होती है। दोस्तों इतनी बेचैनी होती है कि बस उन्हें ना नींद आती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, पूरे देर शरीर में बुखार सा रहता है और पीरियड आगे पीछे आते हैं, चार दिन नहीं चलते हैं, उसके दौरान बहुत दर्द होता है दोस्तों। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही आसान और घरेलू उपचार बता रहा हूँ। अगर आपने हर जगह दिखा दिया आराम नहीं है, तब भी आप यह प्रयोग करना, आपको अवश्य लाभ होगा। आपके घर में होगी अजवाइन, हर घर में मिल जाती है अजवाइन। आपको 2 चम्मच अजवाइन 2 कप पानी में ही उबालनी है, जब उबलते उबलते 1 कप बच जाए तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। गुड़ डाल के एक बार फिर उबालिए और फिर उबाल कर छान लीजिए। छान कर सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, ऐसी एक मात्रा शाम को बनाइए। सुबह शाम पीना है 4 दिन। जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो उस दिन शुरू करना है, जिस दिन पीरियड बंद होगा उस दिन बंद कर देना है। आप देखेंगे जब आपका अगला पीरियड आएगा तो आपको पहले से अच्छा महसूस होगा। ठीक ऐसे ही 4 दिन वो काढ़ा फिर दोबारा बनाइए और लीजिए। जब तक आप ठीक ना हो, लगभग 3-4 महीने में आप ठीक हो जाओगे। और जब भी दिक्कत रह जाती है तो 1 महीना और ले सकते हैं। लेना जब भी है, प्रयोग जब भी करना है पीरियड के दौरान, जब आपको पीरियड आया तभी ही करना है। उससे 2 दिन पहले ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन पीरियड बंद हो जाए उस दिन बंद कर देना दोस्तों। आप देखेंगे आपकी समस्या ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधा की सींग। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपका दोस्त डॉक्टर पवन नेचुरोपैथिक।